Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. 2021 के अवाल में 30 लाख कनेडियन शहरियों को वैक्सीन दिए जाने की उम्मीद। कनाडा के डिप्टी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि वैक्सीन की टाइमलाइन यकीनी नहीं है, वैक्सीनेशन के अमल के लिए फौज की मदद भी ली जाएगी। टोरंटो की शहरी हुकूमत के लॉकडाउन के दौरान शहरियों की सहूलत के लिए अहम इकदाम। शहरी तफरीही मुकामात पर वक्त गुजार सकेंगे। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी होगा। ऑन्टेरियो असेंबली में वक्त बदलने के अमल को रोकने के लिए करारदाद मंजूर। इस तजवीज को एमपीपी जेरेमी रॉबर्ट्स ने अक्टूबर में पहली बार पेश किया था। शहरियों की जिंदगी पर मजबूत असरात मरतब होंगे। कनाडा भर में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 3,53,097 हो गई। ऑन्टेरियो में 1,09,361 अफराद मुतासर हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6,13,08,613 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 14,37,846 हो गईं। अमेरिका में मजीद 5 कैदियों की सजाए मौत पर अमल मुतवक्के। सजाए मौत पर अमल आइंदा चंद हफ्तों में तय है। ट्रंप ने ओहदा छोड़ने और व्हाइट हाउस खाली करने के लिए शर्त रख दी। कहते हैं कि इलेक्ट्रोल कॉलेज वोटों में शिकस्त होती है तो व्हाइट हाउस छोड़ दूंगा। ट्रंप ने यह इशारा भी दिया कि शायद वो कभी भी शिकस्त तस्लीम ना करें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order karein www.greenish.com. Canada mein aapke paas doctor aur lawyer hona bahut zaruri hai. Hum aapko batane ja rahe hain ek aisa naam jo hai reliable, trustworthy and honest. Law firm of Shikha Sharda, 905-956-6699 for family law, real estate, wills or kisi bhi tarah ke affidavit ya para legal problems ke liye law firm of Shikha Sharda 905-956-6699. Pehli consultation bilkul free hai. Call lawyer Shikha Sharda 905-956-6699. साल 2021 के अवाल में 30 लाख कनेडियन शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन दी जा सकती है, तहम इंतजामिया को लॉजिस्टिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2021 के अवाल में 30 लाख कनेडियन शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन दी जा सकती है, तहम इंतजामिया को लॉजिस्टिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा के डिप्टी चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हॉवर्ड ने इंतबाह किया है कि वैक्सीन की टाइमलाइन यकीनी नहीं है। वफाकी अहदेदारों की जानिब से शहरियों को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि कैनेडियन हुकूमत का 2021 के अवाल में लाखों शहरियों तक वैक्सीन पहुँचाने का मनसूबा है, जबकि हिजब इख्तलाफ की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई है और कहा गया है कि कैनेडियन हुकूमत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम की मनसूबाबंदी करने के लिए दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे है। हुकाम का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत कैनेडा की मसल्ला अफवाज और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की तकसीम के नेटवर्क को तैनात करने में मदद फराहम करेगी। डॉक्टर हॉवर्ड ने मुतनबा किया है कि इब्तदाई मराहल वैक्सीन की फराहमी काफी हद तक महदूद होगी और सिर्फ आला तरजीही ग्रुप के लिए मखसूस होगी, जिनमें लॉन्ग टर्म केयर होम्स में मौजूद बुजुर्ग अफराद, शदीद बीमारी और मौत के खतरे से दो चार अफराद, फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर अमरीकी कंपनीज ने वैक्सीन की बर वक्त डिलीवरी की तो 2021 के पहले 3 माह में ज्यादा से ज्यादा 6 मिलियन खुराकें लगाई जा सकती हैं। हर मरीज को फाइजर की वैक्सीन की 2 खुराकें दरकार होंगी। ताहम उन्होंने मुतनबा किया, ये एक पुर उम्मीद प्रोजेक्शन है और अभी इसकी तफसीलात काफी हद तक दुरुस्त है। टोरंटो के शहरी इस मौसम सरमा में लॉकडाउन के दौरान ज्यादा वक्त घर के बाहर गुजार सकेंगे, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इकदाम किए गए हैं।
मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी इस मौसम सरमा में लॉकडाउन के दौरान ज्यादा वक्त घर के बाहर गुजार सकेंगे, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से खसूसी इकदामात किए गए हैं। शहरी हुकूमत का अमला मौसम सरमा में सड़कों और रास्तों की देखभाल को तेज करेगा ताकि रिहायशी बाहर ज्यादा वक्त गुजार सकें। मेयर जॉन टॉरी का कहना है कि शहरी इंतजामिया चाहती है कि कोरोना वायरस के बावजूद लोग एक्टिव रहें, यहां तक के सिफर दर्जा हरारत में भी। उनका कहना था कि कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगी को मुतासर किया है, जबकि हमारी कोशिश है कि लोगों की जिंदगी को महफूज बनाते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दे सकें। उनका कहना है कि रिहायशी अकेले पार्कों में या लॉकडाउन के दौरान अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। इस फहरिस्त में स्केटिंग, टोबोगैनिंग, स्नो शोइंग और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। तमाम शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल करना होगा। हिंदू फोरम कनाडा की जानिब से भारतीय शहर मुंबई में 2008 में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ ग्रेटर टोरंटो इलाकों के बहुत से शहरों में एलईडी ट्रक इश्तिहारी मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम का आगाज कनाडा के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे ऑन्टेरियो की कानून साज असेंबली से हुआ। बिलबोर्ड्स में मुंबई नवम्बर 26 कैनेडियन अवेट जस्टिस के हैशटैग्स दर्ज थे। इस दहशतगर्दाना हमले में दो कैनेडियन हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। हिंदू फोरम कनाडा ने कानून साज असेंबली से मुतालबा किया कि वो कैनेडियन मुतासरीन के साथ साथ तमाम मुतासरीन के इंसाफ के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालें। हजारों कैनेडियन ने हिंदू फोरम कनाडा की स्लाइड्स को वाज़े पैगाम मुंबई दहशतगर्दी के मुतासरीन के अहले खाना पूरी दुनिया में इंसाफ चाहते हैं के साथ देखा। न्यूयॉर्क सिटी में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के मेंबरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंड, हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं के नारे दर्ज थे। मुंबई में सन 2008 में होने वाले अस्करियत पसंदों के हमले में 160 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। भारत ने हमलों का इल्जाम पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा पर आयद किया था। भारत और अमरीका ने हमले का मास्टरमाइंड होने और LET की बुनियाद रखने का इल्जाम हाफिज सईद पर आयद किया था। ऑन्टेरियो के MPPs ने वक्त को एक घंटा आगे या एक घंटा पहले तब्दील करने के दो साल अमल को रोकने के हक में वोट दिया है। सूबाई हुकूमत क्यूबेक और न्यूयॉर्क की हुकूमत से मिलते जुलते कानून को पास करने पर मजबूर होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के MPPs ने वक्त को एक घंटा आगे या एक घंटा पहले तब्दील करने के दो साल अमल को रोकने के हक में वोट दिया है। सूबाई हुकूमत क्यूबेक और न्यूयॉर्क की हुकूमत से मिलते जुलते कवानीन को पास करने पर मजबूर होगी। इस तजवीज़ को MPP जेरेमी रॉबर्ट्स ने अक्टूबर में पहली बार पेश किया था। ताहम रॉबर्ट्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके बिल ने मुतफिका तौर पर क्वींस पार्क में हतमी कानून साजी का मरहला मंजूर कर लिया। बिल 214 जिसमें अभी भी ऑन्टेरियो के लेफ्टिनेंट गवर्नर से शाही मंजूरी हासिल करने की जरूरत है, मुस्तकिल बुनियाद पर ऑन्टेरियो को दिन की रोशनी में बचत का वक्त मुंतकिल कर देगा। ये कानून सिर्फ क्यूबेक और न्यूयॉर्क के साथ हम आहंगी में नाफिज़ अमल होगा। रॉबर्ट्स ने तालीमी मुताले का हवाला देते हुए बताया कि जब सेहत की बात की जाती है तो दो साल की घड़ी की तब्दीलियां संगीन मनफी असरात पैदा कर सकती हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि इस तब्दीली का नतीजा शाम के औकात में सूरज की ज्यादा रोशनी की सूरत में आएगा, लिहाजा इससे खरीदारी की बढ़ती सरगर्मियों को फरोग देने के इम्कान को मिलेगी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 11,799 हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3,53,097 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 11,799 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,36,894 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,947 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,09,361 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,575 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 51,878 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 510 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में 29,973 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 384 है। बरतानवी हुकूमत ने लंदन में कोरोना वायरस पाबंदियां जारी रखने का ऐलान कर दिया। एक माह का लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लंदन में घरों में इज्तमात मुनक्कद करने और 6 लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6,13,08,613 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 14,37,840 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,74,74,122 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 1,05,012 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4,23,96,651 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,66,555 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 1,32,48,676 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,35,752 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 93,09,871 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,71,497 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 62,04,570 तक जा पहुंची है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 29वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,840 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 356,389 तक जा पहुंची है। अमरीका में सजा याफ्ता 5 अफराद में से आखिरी की सजा पर अमल 15 जनवरी को किया जाएगा। वाजे रहे कि अमरीका में रिवायती तौर पर सुबकदोश सदर ऐसे मामले अगले सदर पर छोड़ देते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका में 19 नवंबर को कैदी और लैंडो हॉल को दी जाने वाली सजाए मौत किसी भी अमेरिकी सदर के आखिरी चंद हफ्तों में 100 बरस से ज्यादा अरसे के बाद दी जाने वाली सजाए मौत थी। ताहम ट्रंप के दौरे सदारत के आखिरी चंद हफ्तों में ये आखिरी सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि वफाकी जेलों में 5 ऐसे मजीद कैदी मौजूद हैं जिनकी सजाए मौत पर अमल आइंदा चंद हफ्तों में तय है। मुतालिका महकमे के मुताबिक सजा याफ्ता 5 अफराद में से आखिरी की सजा पर अमल 15 जनवरी को किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका में रिवायती तौर पर सबकदोश सदर ऐसे फैसले अगले सदर पर छोड़ देते हैं। मस्कूरा सजाओं पर अमल हो गया तो जुलाई 2020 के बाद जहरीले इंजेक्शन से दी जाने वाली सजाओं की तादाद 13 हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाले जो बाइडन की फतह को बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज से मंजूर कर लिया जाए तो वो भी अपना ओहदा छोड़ने को तैयार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदारती इलेक्शन में शिकस्त मानने से इनकारी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने का अंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका का अगला सदर करार दे दिया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस छोड़ दूंगा। गुज़िश्ता रोज मुद्दत पूरी होने पर व्हाइट हाउस छोड़ने के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में शिकस्त होती है तो मैं व्हाइट हाउस छोड़ दूंगा, आपको भी ये मालूम है। साथ ही ट्रंप ने ये इशारा भी दिया कि शायद वो कभी भी शिकस्त तस्लीम ना करें। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर इलेक्शन में धांधली के इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेरे लिए शिकस्त तस्लीम करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था। ख्याल रहे कि जो बाइडन को इस वक्त सदर ट्रंप पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। अब तक सामने आने वाले नतायज के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज में जो बाइडन के 306 वोटों के मुकाबले में ट्रंप को सिर्फ 232 वोट हासिल हुए। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV. TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.